पहला रोजा है और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अब्दुल कबीर को स्कूल ड्रॉप करने के बाद आ गया हूँ गाड़ी सर्विस कराने और आगे कोई वेटिंग ही नहीं है। मतलब यार आज फाइनली मेरी गाड़ी धुल जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, काफी टाइम बाद धुली है गाड़ी, टिप टॉप हो गई। और ये बच्चा मदरसे जा रहा था सुबह सुबह। कैसे हो भाई, ठीक हो? ब्लॉग में आना था आपको? चलो जबरदस्त, थैंक यू। चलें जी, अंदर से भी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी चमक गई है यार। मतलब मजा ही आ जाता है इतनी साफ सुथरी गाड़ी में बैठ के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, मजे में। भाई ब्यूटीफुल व्लॉग इसलिए क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को मालूम है रमजान का महीना स्टार्ट हो गया है और आज पहला रोजा है भाई। तो आज के व्लॉग के अंदर हम पहले इफ्तार की तैयारी करेंगे और पहले इफ्तार की तैयारी कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है, इसीलिए आपके भाई ने सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया। सारे कामों में आपको अपने साथ रखेंगे, आ जाए। तो भाई पहले इफ्तार की तैयारी करने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं। ये हमारा सब्सिडाइज फ्रूट स्टॉल है जो कि हर साल लगता है 10 रुपए के अंदर। जो है वो 1 किलो फ्रूट, मतलब 20 रुपए के अंदर 2 किलो के फ्रूट का जो है ना बैग लोगों को दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि महंगाई बहुत है, लोगों के लिए जो है ना फ्रूट खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ्रूट आ गया, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट आ गया। खरबूजा है, सेब है और केले हैं, ठीक है जी, सारे अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये एक बैग बनाया जाता है जिसका तकरीबन वेट है भाई 2 किलो, सही है ना। ये लोगों को दिया जाता है 20 रुपीज़ के अंदर। और आज का फ्रूट कितने का आया देखें, 183,100 रुपये का फ्रूट आया। अल्लाह पाक आप लोगों का देना कबूल करे। ये पूरा रमज़ान सिलसिला चलता रहता है। तो ये जो है ना हमारी इफ्तार की जो है वो पहली चीज़ है जो हमने आपको दिखाई है। अब हम जो है वो दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। भाई अभी जो है ना दोपहर के 3 बज रहे हैं, बहुत भागा भागी चल रही है, इसीलिए जो है ना भागा भागी में आप लोगों को शॉर्ट मिल रहे हैं। जैसे ही घर आया हूँ ना, मोहम्मद अहमद मेरे से गले लग गए और बोल रहे हैं अम्मा कुछ भी नहीं दे दी। अल्लाह, आपने रोजा भी रखा है? इसने रोजा भी रखा है, इसको जीरा बिस्किट भी खाना है और अम्मा नहीं दे रही। यार देखें ऐसी कोई ज्यादती होती है कभी? यार मैं देता हूँ आपको। इस वक्त शाम के भाई 5 बजने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट स्टॉल से हम लोग फारिग हो गए। फ्रूट स्टॉल पे जो है ना खड़े खड़े जो क्राउड कंट्रोलिंग होती है ना, उसके अंदर जो है ना मतलब रोजा लग जाता है। चीख चीख कैसे ही भाई, गला सूख जाता है। तो बस अब रोजा लग गया है, इफ्तार की तैयारी के लिए निकल गए। रोल समोसों का हमने जहाँ ऑर्डर दिया था ना, वहाँ से पिक करने के लिए आ गए चीजें। देखिए भाई 5 बजे में जो है ना रश लग गया रोल समोसों पे। अब आप कितने हो गए? गर्मा गर्म समोसे ये देखें भाई, अपना सेटअप तैयार हो रहा है, ठीक है जी। वो देखें वहाँ पे भी गर्मा गर्म समोसे और ये चेक करें। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। दे दो भाई हमारे समोसे दे दो, हम जाएं, बहुत दूर जाना है हमको। अभी इन्होंने बोला कि भाई 5-10 मिनट रुके, आपका ऑर्डर तैयार हो रहा है। देखिए भाई समोसे कितने के आए, आलू के समोसे 250, 10,000 रुपए के, और मलाई बोटी रोल 250 रोल कितने के भाई, 13,750 रुपए के। टोटल बिल बन गया 23,750 रुपए के, तो सिर्फ रोल समोसे आज के। अल्हम्दुलिल्लाह देखें भाई ये 3-3 डब्बे आ गए हैं रोल समोसे से लोडेड। अब हम लोग निकल रहे हैं, आज इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी इफ्तार होने वाली कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अब पूरा रास्ता इस रोल समोसे की खुशबू को बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई, रोजे में ऐसी खुशबू आए तो यार बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग निकल गए हैं, शाम के 5:30 बज चुके हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाइम पे पहुंच जाएंगे क्योंकि इस वक्त जो है ना ट्रैफिक भी बड़ा जैम हो जाता है। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज इफ्तार करने के लिए कहां जा रहे हैं। डोंट वरी, हम लोग आपको यहाँ की फूड स्ट्रीट्स वगैरह पे भी इफ्तार करके जरूर दिखाएंगे, यहाँ का एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे। लेकिन आज मेरा आप लोगों के साथ कमिटमेंट था कि फर्स्ट रमजान को उस मदरसे की कंस्ट्रक्शन हो गई होगी और हम उसकी ओपनिंग करेंगे और वहीं पे इफ्तार करेंगे। तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और आज अबू जी भी हमारे साथ हैं। अबू जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। चलें जबरदस्त। ये देखिए भाई ट्रैफिक अभी बहुत मिलेगा, ये लीजिएगा भाई, थैंक यू। एक बार लियारी एक्सप्रेस पे चढ़ गए ना, बस फिर ट्रैफिक की कोई टेंशन नहीं है, ये हमेशा खुला ही मिलता है। जब भी खाने के लिए बैठूंगा मैं इसको टोकता हूँ भाई। अभी क्लास चल रही है मेरी डाइटिंग के ऊपर, अब वो मेरी क्लास ले रहे हैं कि डाइटिंग छोड़ दे। चलें जी फाइनली जगह पे पहुंच गए हैं और अब आप लोगों को दिखाते हैं मदरसा। अबू जी कैसा लग रहा है? माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा यार। इसीलिए मैं आप लोगों को जो है ना काफी टाइम से नहीं दिखा रहा था कि जो है ना एक साथ जब तैयार हो जाएगा ना तो दिखाएंगे। अल्लाह पाक उनका देना कबूल करे जिन लोगों ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। और अब हम जो है ना अंदर लेके चलते हैं आपको। माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना फुल इफ्तारी की तैयारी चल रही है। और ये देखें, सुबहानअल्लाह बहुत ही प्यारा बनाया है। देखें यहाँ पे जो है ना, मैं आपको टूर भी देता हूँ इसका पूरा। यहाँ पे जो है वो चप्पल जूते वगैरह रखने के लिए जो है ना स्टूडेंट्स के लिए हमने बना लिया सेटअप। और ये देखें, ये जो है ना मेन हॉल है इसका। सामने शेल्फ तैयार करवा दिए हैं जहाँ पे कुरान शरीफ भी हमने जो है वो नए बिल्कुल बाय कर लिए थे कुछ दिन पहले। लेकिन मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया था, मैंने बोला एक साथ में फर्स्ट रोजे पर ही जो है ना इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा।
तो ये ऊपर कायदे हैं, नीचे कुरान शरीफ आ गए सारे, ये मोटर लगी हुई है, ये पूरा पानी का टैंक है, ये ऊपर की जो है वो स्टेयर्स हैं, देखें कितना प्यारा बना है। उन लोगों को तो देख के जो है ना दिल ही खुश हो गया होगा जिन लोगों ने इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये दरवाज़ा लगा के अभी फ़िलहाल हमने ये बंद कर दिया है, ठीक है। अब आपको जो है ना क्लासरूम्स दिखाते हैं इसके, इसके पीछे जो है वो बड़ी मेहनत चलती रही काफ़ी टाइम तक, बस अल्लाह पाक की खिदमत कबूल करे। ये देखें ये पहला क्लासरूम, माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन करें यार आप लोगों को तो खुशी होगी होगी, मुझे जितनी खुशी हो रही है ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा यार। मैंने जो नियत की थी ना अल्लाह पाक ने जो है ना इसमें करम कर दिया और हम फर्स्ट रमज़ान को इसको कंप्लीट करने में कामयाब हो गए। देखें छतें कितनी प्यारी बनी है, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था ना कि इंशाल्लाह ऐसा बनाएंगे कि देख के तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पे जो है वो चार वॉशरूम्स हैं और माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो बेहतरीन किस्म का वजू खाना बना हुआ है, सामने वो सिंक लगा हुआ है। अबू जी कैसा लगा आपको? बेहतरीन लगा, खूबसूरत माशाल्लाह है ना, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। आप लोगों को याद होगा जिस दिन हम लोग मार्बल वगैरह लेने के लिए गए थे तो उस दिन देखें हमने सारी चीज़ें सेलेक्ट की थी और अंदाज़ा नहीं था कि ये सारी चीज़ें लगने के बाद इतनी खूबसूरत लगेंगी माशाल्लाह। भाई मैंने बोला जो मदरसे में बच्चे पढ़ने वाले हैं ना कल से, मतलब ये मदरसा स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उन बच्चों को भी बुला लिया जाए और उनके साथ ही आज इफ्तार करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें भाई ये सारे बच्चे भी आ गए, अभी और भी बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है देखें फ्रूट व्रूट काटे जा रहे हैं, यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे खरबूजा है, इसके बाद फिर साथ साथ समोसे रखे जा रहे हैं। हाँ हाँ मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बासित भाई ने जो है ना इफ्तार का सिस्टम संभाला हुआ है सारा। चले भाई अब जो है ना फाइनली शरबत बनाने जा रहे हैं आपका भाई, ये देखें। आए हाय 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 हाय, बासित भाई करीब से दिखाएं जरा, आ जाए आ जाए करीब से दिखाएं। ये देखें ये चेक करें आप लोग यार, मतलब इस वक्त आप लोग रोजे में होंगे जिस वक्त ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं यार, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की क्या हालत हो रही होगी। अभी तो इसके अंदर बर्फ डलेगा ना और मजा आएगा, अभी पिक्चर बाकी है भाई, अभी चमचा हिलाएंगे हम यार, सारा का सारा जो शरबत है ना वो नीचे चला जाता है भाई। अब जो है ना इसके अंदर बर्फ भी डाल दिया, बिल्कुल चिल्ड हो रहा है ये, ठीक है। और ये देखिए भाई मलाई बोटी रोल, ये फिर आलू के समोसे, इस डब्बे के अंदर भी समोसे हैं और यही नहीं है इसके बाद फिर बिरयानी की देगें भी आ रही हैं। अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह आज की इफ्तारी हो रही है इस तरह रमज़ान के महीने में हम लोग लेस प्रिविलेज इलाकों के अंदर इफ्तारियाँ करवाते हैं, तो आप में से अगर कोई एक दिन की या दो दिन की या तीन दिन की इफ्तारी स्पॉन्सर करना चाहे तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं। इस तरह की इफ्तारियों का अहतमाम करने से एक फ़ायदा होता है कि लेस प्रिविलेज इलाकों के जो बच्चे होते हैं ना इनको भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं इफ्तार में खाने के लिए। और ये गर्मा गर्म बिरयानी की देगें भी आ गई हैं भाई, चिकन बिरयानी की। भैया बच्चों के लिए जो है ना ट्रे बनवा लिए हैं जिसके अंदर समोसे रोल केले सेब खरबूजा और जूसेज हैं, ठीक है। अब ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये लो बच्चों, ये लो बच्चों ने जो है ना ग्रुप बना लिया है, ये लो बेटा पकड़ो, सही है अभी इफ्तार होने वाला है बिल्कुल एक से दो मिनट के बाद। ये लो बेटा, ये लो ये लो ये लो, शाबाश। कुछ टाइम पहले ये जो जगह थी ना एक खंडर थी, लेकिन आज देखें कि अल्लाह के करम से यहाँ पे कितनी रौनक हो गई और यहाँ पे जो है ना कुरान पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इफ्तार का टाइम हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुंतु वबिका आमंतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्किका अफ्तरतु। अब आ गया मलाई बोटी रोल हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। अब जो है ना ठंडा ठंडा शरबत जो है ना हमको आवाज़ दे रहा है, सुकून मिल गया भाई ठंडा ठंडा शरबत पी के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना अच्छी इफ्तारी इंजॉय कर रहे हैं, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज मगरिब पढ़ ली, अब नमाज पढ़ने के बाद आ गए हैं, अब बिरयानी की बारी है भाई, ये देखें। आहा भाई फुल मसाले वाली बिरयानी है, ओहो हो हो, जो खुशबू आ रही है ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, अभी टेस्ट करके बताएंगे कि भाई बिरयानी कैसी है, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। और ये आ गया पहला निवाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी बहुत वीआईपी बनी भाई, साइन बोर्ड लग रहा था अभी और जैसे ही हम लोग अभी इफ्तार करके निकले तो साइन बोर्ड भी लग गया है, ये आपको दिखाते हैं भाई। ये देखें मदरसा प्रोजेक्ट बाय मुस्तफ़ा हनीफ ट्रस्ट, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। अब बस हम लोग फौरन निकल रहे हैं क्योंकि हमें तरावी भी पकड़नी है। स्पाइसी बिरयानी खाने के बाद मैंने बोला कि क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, तो पहुंच गए वीआईपी पॉप्सिकल पे। और रमजान में जो वीआईपी पॉप्सिकल की टाइमिंग है वो शाम 6 बजे ओपन होगी इंशाल्लाह, शाम 6 बजे से लेके भजन रात तक ओपन रहेगी इंशाल्लाह। तो भजन कुछ खिला दें जरा, मजा आ जाए मतलब ना भाई। रास्पबेरी जा रही है चॉकलेट के अंदर, वीआईपी सेटअप। तीखे के बाद मीठा खाने के बाद जो है ना इफ्तार का सीन कंप्लीट होने वाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रास्पबेरी ने चॉकलेट डिप के साथ तो तबाही मचाती भाई। और आपके भाई ने जो है ना रमजान के महीने में स्पेशल लकी ड्रॉ भी सोच लिया है, इंशाल्लाह जैसे ही फाइनलाइज हो जाता है ना तो कल या परसों के ब्लॉग के अंदर आपको अनाउंस कर देंगे कि रमजान में किस चीज का लकी ड्रॉ होने वाला है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। होपफुली आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और स्पेशली जो मदरसे का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ना, यकीन करें इतना बड़ा सदका जारिया का काम कि मतलब दिल यार खुश हो गया है, आप लोगों का भी दिल खुश हो गया होगा। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ना मेरी कोई हैसियत है औकात है कि मैं कोई काम कर सकूं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं कि मतलब हमें ऐसे कामों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहने का मौका मिल जाता है ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। स्पेशल थैंक्स उन लोगों का जिन लोगों ने इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया। बस अल्लाह पाक ऐसे काम लेता रहे और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, क्योंकि बस अभी जो है ना टाइम हो गया है तकरीबन 8:02 हो गए, 8:30 तरावी है, तो बस अबू चाय पी लें, इसके बाद चलते हैं तरावी पढ़ने, फिर फैमिली टाइम और फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम।